उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को मदरसों में शुक्रवार के बजाय रविवार को साप्ताहिक छुट्टी किए जाने का प्रस्ताव सौंपा गया है। इस संबंध में आखिरी फैसला बोर्ड की जनवरी में आयोजित होने वाली बैठक में लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बुधवार को बताया कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी और फारसी मान्यता प्रशासन एवं सेवा विनियमावली 2016 में जरूरी संशोधन और बदलाव के सिलसिले में एक बैठक बुलाई गई थी। इसमें बोर्ड के सदस्यों के साथ साथ बड़ी संख्या में मदरसों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जावेद के मुताबिक बैठक में मदरसों में शुक्रवार के बजाय रविवार को साप्ताहिक छुट्टी किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। मदरसों में साप्ताहिक छुट्टी को लेकर बहुत दिनों से मदरसों से जुड़े लोग की ओर से ऐसी मांग भी की जा रही थी। हालांकि बैठक में कई मदरसों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया। इसके अलावा कई मुस्लिम नेताओं और उलेमाओं ने भी इसका विरोध जताया। दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने मदरसों में जुम्मे के बजाय इतवार को छुट्टी करने को लेकर कहा कि जुम्मे के बजाय इतवार को छुट्टी करने का सुझाव सही नहीं होगा, क्योंकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को इमामत भी करनी होती है और जुम्मे के भी काम को अंजाम देना होता है। इसलिए मदरसा बोर्ड की तरफ से मदरसों की छुट्टी जुम्मे को ही रखा जाए। देखिए, मदरसों की तालीम और उसकी तरक्की के लिए मदरसा बोर्ड की जानिब से जो बैठक की गई है और उसमें मदरसों के सिलसिले में मदरसों को मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए जो बातें कही गई हैं उसका हम सब मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। लेकिन दो बातें जो इसमें वाज़ह तौर पर कही गई हैं उस पर मुझे लगता है कि गौर वफ़ौस करने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि मदरसा बोर्ड की जानिब से, किसी ज़िम्मेदार की जानिब से जो ये बात कही गई है कि जो मदरसे की छुट्टी है वो जुमे की बजाय हफ्ते या शनिचर या इतवार को कर दी जाए, ये बात मुझे लगता है मदरसों के ताल्लुक से सही नहीं होगी, क्योंकि मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वालों को कहीं ना कहीं इमामत भी करनी होती है और जुमे के फ़राइज़ भी अंजाम देने होते हैं। इसलिए मदरसों की छुट्टी के ताल्लुक से जुमे का दिन ही बेहतर रहेगा और इसलिए मेरा यही कहना है कि छुट्टी के सिलसिले में जो बातें मदरसा बोर्ड की जानिब से कही जा रही हैं उसको जुमे ही की छुट्टी पर बरकरार रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर कदम होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संभवतः पूरे देश के मदरसों में शुक्रवार को ही छुट्टी होती है। शुक्रवार को ही जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है जिसका इस्लाम में विशेष महत्व है। जुम्मे की तैयारियों के मद्देनजर ही मदरसों में शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। मदरसा बोर्ड की बैठक में कुछ लोगों ने जुमे के दिन छुट्टी ना होके इतवार के दिन छुट्टी का प्रस्ताव रखा, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। इसके विरोध में कुछ धर्मगुरु भी उतर आए हैं। सुफियान निजामी का कहना है कि अगर जुमे के दिन छुट्टी रखी जाएगी तो जो इमामत करते हैं, जो पढ़ाते हैं मदरसों में, वो इमामत भी करते हैं, वो नमाज भी पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी परेशानी हो जाएगी। शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास का भी यही कहना है कि अगर जुमे के दिन छुट्टी नहीं की जाएगी तो जिस तरीके से जुमे के दिन नमाज पढ़ी जाती है, क्योंकि जुमे के दिन एक शुक्रवार है, बड़ा शुक्रवार माना जाता है, उस दिन अगर छुट्टी नहीं की जाएगी तो जो मदरसों में पढ़ाते हैं इमाम, वो इमामत भी करते हैं, वो मस्जिद में नमाज भी पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ होगी। तो जिस तरीके से इतवार को छुट्टी करने का प्रस्ताव रखा गया था मदरसा बोर्ड में, अब इसको लेकर कहीं ना कहीं जो धर्मगुरु हैं उनके जो बयान है वो सामने आ रहे हैं और एक और बैठक होनी है जिसमें इस प्रस्ताव पर जो सुझाव दिए गए हैं उस पे सोचा जाएगा, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या जुमे के दिन जो छुट्टी की जाती है मदरसों में वो छुट्टी जुमे के दिन रहेगी या फिर उन छुट्टियों को इतवार के दिन किया जाएगा। लखनऊ से सफिया मट टीवी।